हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप एक नया यूट्यूब चैनल बनाने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस टॉपिक पर वीडियोस बनाए जाएं, या फिर आपका ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि क्यों ना एक चैनल और बना लिया जाए। आपको कुछ एक्सपीरियंस है, आपने वहाँ रिजल्ट देखे हैं अपने पुराने चैनल पर, और इस बार आप सोच रहे हैं कि किसी ऐसे टॉपिक पर यूट्यूब चैनल बनाया जाए जिस पर रेवेन्यू ज़्यादा आए, और आप ये भी चाहते हैं कि आपका टॉपिक ऐसा हो जिसकी ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा हो, आपका चैनल दूसरे देशों में भी देखा जाए, तो आप किस तरह से टॉपिक का चुनाव करें कि रेवेन्यू मैक्सिमम हो। तो दोस्तों, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चैनल के टॉपिक का चुनाव किस तरह से किया जाता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहें। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से टॉपिक का चुनाव किया जाए ताकि हमारी कमाई, हमारा रेवेन्यू जो है वो अधिकतम हो, सबसे ज़्यादा हो। तो फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए हम YouTube रेवेन्यू की एक टर्म समझ लेते हैं। काफ़ी सारी टर्म्स हैं, आपने सुना होगा CPC, CPM, CTR। डिटेल में हम इन सभी टर्म्स की बात किसी दिन और करेंगे, लेकिन यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड एक टर्म है जो आपको ज़रूर समझ में आनी चाहिए, वो है CPM। CPM का मतलब है कॉस्ट पर थाउजेंड। बहुत से लोगों ने गैस किया होगा और सोचा होगा कि कॉस्ट पर मिलियन, नहीं, M फॉर रोमन। रोमन में जो M है वो रिप्रेजेंट करता है हज़ार को। तो 1000 व्यूज़ पर हमारी कॉस्ट क्या है, या इसे यूँ कह लें कि जब हमारा वीडियो देखा जाएगा तो उस पर जो ऐड दी जाएगी उसकी कॉस्ट क्या होगी, इसे कहते हैं CPM। और CPM टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है और कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। कॉमेडी का कॉस्ट पर थाउजेंड अलग है, क्रिकेट का अलग, पॉलिटिक्स न्यूज़ का अलग, लाइफ हैक्स का अलग है, आप कुछ सिखा वीडियो एडिटिंग VFX जैसा कि मेरा चैनल है उसका CPM अलग है। तो अगर आपको CPM समझ में आ जाता है तो आप किसी भी टॉपिक का चुनाव ईजिली कर सकते हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको अपना चैनल दिखाता हूँ, YouTube White Studio जो है उसमें हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंट्री टू कंट्री किस तरह से वेरी करता है। यहाँ USA, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE, इंडिया, पाकिस्तान, इनका जो CPM है एक ही टॉपिक पर, जनरल इस टॉपिक की जो मैंने वीडियो यहाँ खोला हुआ है, इसी टॉपिक पर कंट्री वाइज CPM यहाँ लिस्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि अगर यही वीडियो अमेरिका में चलता है तो इस पर एड्स के रेट हमें क्या मिलेंगे, पाकिस्तान में क्या मिलेंगे, इंडिया में क्या, बांग्लादेश और हर कंट्री में अलग अलग। तो हमें चुनाव करना है ऐसा टॉपिक जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा देखा जाए। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जब हम कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारी कई सारी रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। अगर हम कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं तो हो सकता है हमारे पास टीम ना हो, और जिस टॉपिक पर ज़्यादा पैसा है हो सकता है उसके लिए हमारे पास स्किल्स ना हो। तो इन सभी बातों को सोच कर हमें चूज़ करना है हमारा टॉपिक। अगर आप एक महिला हैं या फिर एक कॉलेज गर्ल हैं और आप अपना YouTube चैनल बनाना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कुकिंग बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक पर इंडिया में भी CPM बहुत ज़्यादा है, और अगर ये सेम टॉपिक बाहर देखा जाता है, ऑस्ट्रेलिया, US, यहाँ बहुत लोग, अगर आप समोसा बनाना सिखाते हैं, किसी भी तरह की कुकिंग सिखाते हैं, तो गर्ल्स के लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की। बहुत बार हमें काफ़ी कुछ आता है, हमारे पास स्किल्स होती हैं, लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करना आता। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां लैंग्वेज कोई बार नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। कॉमेडी वीडियोस हैं, लोग देखकर समझ जाते हैं कि सामने क्या चल रहा है। इसी तरह कुकिंग में आप अगर कुछ बनाना सिखा रहे हैं, अगर किसी को देखना ही है कि समोसा कैसे बनाया जाता है तो वो बस देख कर सीख जाएगा। हाँ, यहाँ आप ये कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, बहुत अच्छी फ्लुएंट नहीं बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, आप इतना लंबा बोलें कि इसके बाद हम 2 चम्मच इसके अंदर नमक डालेंगे और इस तरह का नमक होगा, काला नमक, ये इस तरह का, इतना लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट बोलें साल्ट, सिर्फ इतने से दूसरी लैंग्वेज वालों को ये समझ आ जाएगा कि साल्ट डाला गया है, न कि बेकिंग सोडा, क्योंकि दोनों वाइट कलर के हैं। इतने से उन्हें काफ़ी मदद मिल जाएगी। अगर आप इतना भी नहीं बोल पाते तो वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस चीज़ में साल्ट ही डलता है।
आप अगर कॉमेडी करना चाहते हैं तो आप सिंगल मैन कॉमेडी कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं जो कि सिंगल मैन आर्मी हैं और बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, जिनमें AKT के आज की ताज़ा खबर, फैंटसी इंडिया, स्पूफ TV, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे चैनल हैं जो कि मिमिक्री करते हैं। मिमिक्री भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोलें, आप उसके पिच को कम ज़्यादा करके ऐसा दिखा सकते हैं कि 2-3 लोग बोल रहे हैं। आप भून बाम को ले लीजिए। एक बड़ी बात, किसी से कंपैरिजन कभी मत करें। जब वो चैनल स्टार्ट हुए थे उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इस हाइट्स तक जाएंगे, तो आपके साथ भी ऐसा है। आप अच्छे टॉपिक का चुनाव करें और एक बार टॉपिक चुनने के बाद उस पर अच्छा कंटेंट देते चले जाएं। शुरू शुरू में आपके वीडियोस नहीं चलेंगे, लेकिन आप कंटेंट अपने टॉपिक पर कंटेंट देते चले जाएं। बहुत सारे तरीके हैं अपने वीडियोस को प्रमोट करने के, उस पर किसी दिन और बात करेंगे। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यहाँ अपने वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं। यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आया है, पैट्रियन। गुजारिश करूँगा कि मेरे पैट्रियन अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज़ फॉलो करें। पैट्रियन क्या है, किस तरह से काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इस पर मैं एक बहुत ही जल्दी एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। यहाँ जिक्र हुआ है तो आप बस आप इतना समझ लीजिए कि ये उन क्रिएटर्स के लिए है जिनको यूट्यूब से कुछ खास अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, लेकिन उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। तो आप अपने कंटेंट को पैट्रियन पर प्रमोट कर सकते हैं। वहाँ लोगों को लगेगा कि ये भाई साहब बहुत अच्छे वीडियोज़ बना रहे हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, तो वहाँ से आपको मदद मिलेगी। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्पेशल वीडियो जल्दी आएगा, ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था सिर्फ CPM। इसी तरह और भी कई सारी रेवेन्यू से रिलेटेड टर्म्स हैं, CPC है, CTR है, जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। CTR कम है, उसे इंक्रीज़ करने के लिए क्या करें, ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको डाउन लाने के लिए क्या करें और ऐसा क्यों होता है, इन सभी के लिए ये सब चीज़ें भी समझनी बहुत ज़रूरी है। एडसेंस क्या है, किस तरह से अटैच किया जाता है, एडसेंस में हम हमारे रेवेन्यू डाटा को किस तरह से जज करते हैं, हम उसे किस तरह से पढ़ते हैं, तो ये बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पर सारे सॉल्यूशन आपको यहीं मिलेंगे। इन सभी टॉपिक पर एक एक करके मैं वीडियो बनाता चला जाऊंगा और आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मिलकर आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, जाते जाते एक बहुत ज़रूरी बात, जब हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता जिसकी हम आशा करते हैं, तो हम कई बार ब्रेकअप हो जाते हैं, टूट जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो अच्छा काम नहीं था। तो इसके लिए आप मोटिवेशनल वीडियोज़, बड़े यूट्यूबर्स, हर एक बड़ा यूट्यूबर्स जहाँ तक मैंने देखा है, उन्होंने अपने मोटिवेशनल वीडियोस बनाए हैं कि उन्होंने किस तरह से शुरुआत की और आज वे कहाँ हैं। तो इस तरह के वीडियोस टाइम टू टाइम देखते रहें, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप एक नई एनर्जी के साथ अपने कंटेंट पे ध्यान दे पाएंगे, अपने टॉपिक पे ध्यान दे पाएंगे और इस तरह से आपका चैनल भी एक दिन बहुत ऊंचाइयों पे होगा। तो फ्रेंड्स, ये था कि नए चैनल के लिए या एक दूसरा चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरह से एक अच्छे टॉपिक का चुनाव किया जाए ताकि रेवेन्यू मैक्सिमम हो। एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक, ट्विटर हैंडलर का लिंक है, पैट्रियन का भी लिंक है, आप सभी से जुड़ें, सपोर्ट करें। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी इससे मदद मिले। अभी के लिए बस यही, मिलते रहेंगे। जय हिंद।